अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तआवुन से एक ई रोज़गार प्रोग्राम का आगाज़ किया था। उनका मोटिव था ई रोज़गार का कि हम सिखाएं आप कमाएं, के 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 45 सेंटर्स बनाए गए थे। 7 कोर्सेज थे जिसमें 15,000 से ज़्यादा जो है फ्रीलांसर्स पर ईयर इसमें रजिस्टर हुए थे। ई रोज़गार प्रोग्राम में लॉगिन होने का तरीकाकार क्या है, ऑनलाइन चेक करें कि वो कौन से लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं इस ई रोज़गार के प्रोग्राम में, आप इस ई रोज़गार प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम आपसे डिटेल में इस पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें। साथ ही घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी गवर्नमेंट के प्रोसीजर, फेडरल डिपार्टमेंट्स या जो इस किस्म के प्रोग्राम्स हैं उनके हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की स्क्रीन पर बआसानी मिल सकेंगे और आप फिर उनको वॉच करके फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, मोबाइल ऐप्स डॉट पी के की ये वेबसाइट है मेरी। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोसेस हैं, गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेती है, चाहे वो पेमेंट्स के हवाले से हो, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स के हवाले से हो, उनके ऊपर जाएंगे तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से, उसमें सोशल ऐप्स भी हो सकती हैं, PR के हवाले से भी इंफॉर्मेशन है, इस किस्म की सारी इन्फॉर्मेशन, सिंध के शहरियों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, पुलिस क्या फैसिलिटी दे रही है आपको, क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड है, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, इस किस्म की सारी एप्लीकेशन यहाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान, अगर आप इसको विज़िट करते हैं, इसकी प्लेलिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर मेरे वो तमाम वीडियोस मौजूद होंगे जिसमें FPR, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, ठीक है, एजुकेशन के हवाले से है, पंजाब गवर्नमेंट की है, ऑफिशियल मोबाइल ऐप है, पुलिस है, नादरा है, पासपोर्ट, PM के इनिशिएटिव, ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट्स, अगर हम एक्साइज डिपार्टमेंट्स की प्लेलिस्ट में जाएँ तो टोकन टैक्स करेंगे, सिंध में कैसे करेंगे, पंजाब में, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ उसमें ई पेमेंट की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, रजिस्ट्रेशन आपने चेक करनी है, इस्लामाबाद में अगर टोकन टैक्स या रजिस्ट्रेशन चेक करनी है, पंजाब में करनी है, ठीक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ व्हीकल वेरिफिकेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे इस प्लेलिस्ट के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट की मेरे इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, इनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि ई रोज़गार प्रोग्राम, आप google.com.pk खोलें और यहाँ लिखें ई रोज़गार प्रोग्राम, ठीक है, या आप ई रोज़गार प्रोग्राम लिखेंगे तो ये वेबसाइट है PITB की, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की, या आप खोलेंगे erozgar.pitb.gov.pk, ठीक है, ये वेबसाइट फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग और इस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद है इसके अंदर। किस तरीके से करेंगे ये ई रोज़गार प्रोग्राम, ये यहाँ स्टार्ट हो गया, ये देखें, ठीक है। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है तो आप इस उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, रजिस्टर न होकर एक नया आपके पास फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ आपने ये अपना CNSE देना है, अपना कंफर्म CNSE अंडरटेकिंग वगैरह देने के बाद नेक्स्ट के प्रोसेस पे करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ साइन इन करना है आपने तो यहाँ एज ए साइन इन के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है, अगर आप ई रोज़गार प्रोग्राम की उस पर फेसबुक के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये 23 सितंबर को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है, इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंडिडेट्स, ऑल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग मोड आर आउट, ठीक है, कंग्रेचुलेशन टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ये मेरिट लिस्ट जो है इस URL के ऊपर मौजूद है, मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये URL मौजूद होगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब अगर लॉगिन करना है आपने तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन का जो तरीकाकार है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, मेरिट लिस्ट ये शो हो रही है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। टेक्निकल कौन से लोग हैं इसके अंदर, ये पूरी डिटेल है तकरीबन, ये देखें, टेक्निकल के बाद मुख्तलिफ मोबाइल डेवलपमेंट के हवाले से कैटेगरी है कि किसको किस कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया, जो भी इसने सेलेक्ट किया होगा, कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग नेम है उनके, CNSE के लास्ट 6 डिजिट्स हैं, अपना यहाँ नेम CNSE जो भी आपने सर्च करना है आप यहाँ सर्च करेंगे। ये ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर आखिरी पेज पर अगर हम जाते हैं 253 पेजेस हैं, 11,000 समथिंग लोगों को इन्होंने इस वक्त शॉर्ट लिस्ट किया है इस प्रोग्राम के ज़रिए। अगर आप नीचे देखेंगे तो इसका तरीक़ेकार बताया गया कि एंटर योर CNSE नंबर एंड पासवर्ड टू लॉग इन, सेलेक्ट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड डेट यू वांट टू अपलोड, क्लिक चूज फाइल एंड सेलेक्ट, ठीक है, रिपीट द प्रोसेस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट, वंस ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट आर अपलोड यू विल सी अ लिस्ट ऑफ 5 डॉक्यूमेंट्स ऑन योर पोर्टल, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग पोर्टल, ये है इसका तरीक़ेकार। शॉर्ट लिस्टेड फॉर MNI इज पेंडिंग, दे विल बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज पॉसिबल।
ठीक है, ये ऑनलाइन की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये शॉर्ट लिस्टिंग यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने लॉगिन करना है तो आपने जो ऑलरेडी आईडी बनाया था यहाँ पे से लॉगिन करेंगे, पासवर्ड फॉरगेट करना है तो यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट कर लेंगे। ये ई रोज़गार प्रोग्राम के हवाले से प्रोसेस था पूरा। अगर इसकी मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो वो डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। ये 7 कोर्सेज़ वगैरह है, डिफरेंट किस्म के टेक्निकल है, कंटेंट राइटिंग है, क्रिएटिव डिज़ाइन है, ऑनलाइन कोर्सेज कौन कौन से करवाए जाते हैं ये इस वक्त कोर्सेज मौजूद हैं यहाँ पर। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे, आपका टेस्ट होगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपकी वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ किस्म के सक्सेस स्टोरीज जो है ना इस वक्त ये लोग इतना कमा रहे हैं ऑनलाइन अपने इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो कौन कौन से टूल्स फ्रीलांसिंग के हैं, ये सारे टूल्स हैं, इन टूल्स के मतलब इन ट्रेनिंग्स में सारा बताया जाता है। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूले। अस्सलाम वालेकुम।